जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी, जो कि पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हैं। ये आंटी जी पंचकुला से हैं और इन्होंने अपने सत्संग में इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं कि आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आप उनका सत्संग सुनकर समझेंगे कि गुरु जी के आंसर्स कैसे समझने होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरुजी हमें कैसे जवाब देते हैं और हमें कैसे आंसर्स को समझना होता है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से अगस्त के महीने से ही जुड़ी हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो जो अभी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये जो मेरे साथ सत्संग हुए हैं, ये दिवाली के बाद हुए हैं, दिवाली के आसपास से शुरू हुए हैं। उससे पहले वाले मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो दिवाली से कुछ दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि किसी सत्संग में गुरुजी ने मेरे को पहले मैसेज दिया था कि तू कहती है कि इशारे नहीं समझती, ये ले तू इस सत्संग में इशारे हैं तो उनको फॉलो कर। तो उसमें एक गुरुजी ने किसी को बोला था कि शुभ लाभ लगाना है जो येलो में ग्रीन कलर से लिखा हो। तो वो मैंने वैसे ही लगाया जैसे गुरुजी ने बोला था। तो मतलब मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो फिर उसके बाद जैसे गुरुजी का मेरे को मैसेज गुरुजी के आते हैं, मैं उनको फॉलो करती रही। तो एक दिन मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो उसी दिन संगत जी क्या हुआ, तो जैसे हमारे पड़ोस में सत्संग था, कुछ ही घर छोड़ के किसी ने सत्संग करवाया था गुरुजी का, तो वो मैं सत्संग अटेंड करने गई। तो वहाँ पे गुरुजी का जो स्वरूप लगा था वो सफ़ेद चोले में लगा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि मेरा सत्संग में जाने का कोई मन नहीं था, कोई मुझे पता भी नहीं था। मेरे को दोपहर के बाद ही पता चला कि शाम को सत्संग है और उसका कोई इन्विटेशन था नहीं। तो बट फिर भी मैं धक्के से गई कि मेरे को जाना है, मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो मैं सिर्फ चाय प्रसाद ही लेकर आई, बट मेरे को जाके बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, क्या होता है कि हम गुरुजी के मैसेजेस को समटाइम्स फॉलो नहीं कर पाते। तो जैसे मेरे जब गुरुजी का ये मैसेज आया था कि मैं सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को ड्रीम में जो दर्शन होंगे गुरुजी के, वो सफ़ेद चोले में दर्शन होंगे। बट मैंने ये नेक्स्ट डे फिर इस चीज़ को रिलेट किया कि जो मैं सत्संग में गई थी वहाँ पर गुरुजी सफ़ेद चोले में थे, वही गुरुजी के दर्शन थे। तो इतना कुछ गुरुजी हमारे साथ करते हैं, इतने हमें सिग्नल देते हैं। तो संगत जी, जो मैंने गुरुजी को स्थापित किया हुआ है घर में, गुरुजी ने अभी तक मतलब शहद वर्षा, मिश्री वर्षा अभी तक नहीं हुई है। बट मेरे को ड्रीम में पहले भी गुरुजी ने एक बार शहद वर्षा दिखाई। तो अभी भी जिस दिन चक्री माता का व्रत होता है दिवाली से पहले, तो अहोई अष्टमी जो होती है, तो उस दिन भी मेरे को सुबह जो गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ, उसमें गुरुजी के स्वरूप से मिश्री और इलायची दोनों निकल रहे थे। तो मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब मैं सुबह उठी कि मतलब जल्दी उठना ही था, उसने तो व्रत रखना था। तो इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे को ये मतलब स्वप्न में ही मेरे को ये वर्षा करके दिखाई। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास जाके बार बार देखा कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, सच में ऐसा हो रहा है क्या। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरे को ना गुरुजी का एक मैसेज आया था दिवाली के बाद, ये आई थिंक 15 नवंबर की बात होगी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि मतलब सारे देव, अगर कुड़ी है तो सत्संग करवा, सारे देवी देवता मेरे नाल तेरे घर आएंगे, सारे देवी देवता मेरे नाल तेरे घर लंगर करन आएंगे। तो मतलब मेरे को लगा कि ये कैसे होगा, मतलब अभी सत्संग का मेरा अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि घर में सभी लोग मानते नहीं हैं। तो फिर 16 तारीख को ही मॉर्निंग में मेरे को क्या ड्रीम में क्या दिखा कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग हो रखी है, बहुत लोग हैं वहाँ पे, और मैं ना गेट पे खड़े होकर बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, ड्रीम में ही रो रही हूँ। मैं ना सेवादार को कहती हूँ कि भैया मेरे को आगे जाने दो, मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो वो मतलब देख के जो सेवादार भैया हैं वो देखते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वो क्या करते हैं कि मेरे को कहते हैं कि ठीक है आप आगे चले जाओ। तो जैसे ही मैं आगे दर्शन के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं जब लेफ्ट से राइट तक देखती हूँ ना, लेफ्ट पे क्या होता है, सारे देवी देवता के वो मतलब लगे होते हैं, स्वरूप लगे होते हैं। जैसे शिव जी भगवान जी का भी लगा हुआ है, कृष्ण जी का भी लगा हुआ है, ठीक है, राधा जी का लगा हुआ, सारे लगे हुए हैं।
तो मैं ये देखती हूँ कि सेंटर में जो एक जगह खाली है वो गुरुजी का स्वरूप कहाँ है। मैं तो उनको ही देखने आई हूँ, उनको ही मिलने आई हूँ। तो मैं मतलब मैं बड़ा रोती हूँ कि देखो भी मैं गुरुजी को मिलने आई हूँ, मेरे को गुरुजी दिख नहीं रहे, गुरुजी दिख नहीं रहे, गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं। तो इतने में ही मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं नेक्स्ट डे मतलब बड़ा मैं ना, मेरे को बहुत खुशी भी थी कि मेरे को मतलब सत्संग का सपना आया, बट कहीं ना कहीं मन में ये इस चीज़ की बेचैनी थी कि जो सत्संग का सपना आया था उसमें गुरुजी मेरे को कहीं नहीं दिखे। मैं रो रही हूँ, पागलों की तरह रो रही हूँ कि मेरे को गुरुजी के सत्संग में अंदर आगे जाके दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, बट मेरे को उनके दर्शन नहीं हुए। मेरे को इस चीज़ का शायद मेरे को आंसर नहीं मिला गुरुजी से कि क्या था क्या नहीं था ये। बट गुरुजी हैं, गुरुजी ठीक है अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को पहले भी बोला था कि कुड़िए तू तो अन्य मतलब तू तो सत्संग शेयर कर दी नहीं थकेंगी, तेनू अन्य ब्लेसिंग्स दूंगा। मतलब वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। मेरे साथ इस महीने बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत सत्संग हुए हैं। एक बार क्या हुआ मेरे को, जैसे स्वप्न में ही गुरुजी ने क्या किया, जैसे ये 16 तारीख को हुआ था देवी देवता वाला, फिर 19 तारीख को मेरे को जैसे मॉर्निंग में सपना आया, 3-3:30 बजे आया होगा ये। तो मतलब जैसे मेरे कमरे में जहाँ मैं सोई हुई हूँ वहाँ पर बहुत विशाल रूप, पूरी छत तक का, नीचे से लेके छत मतलब छत को टच कर रहे हैं, शिव जी खड़े हैं। जैसे हम मतलब उनको पिक्चर्स में देखते हैं ना, जैसे फोटोज़ में देखते हैं, वो वाला रूप में शिव जी पूरी छत को टच कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये शिव जी अंदर कैसे आ गए, मतलब इनका रूप इतना बड़ा है, ये कमरे के अंदर कैसे आए। तो मैं एकदम देख के मैं डर गई उनको कि ये शिव जी मेरे कमरे में कैसे आ गए। तो मतलब मैं ड्रीम में ही उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाई कि ये गुरु जी के दर्शन है। बट मेरे को नेक्स्ट ही अच्छा लगा कि गुरु जी ने मेरे को शिव जी भगवान जी के रूप में दर्शन दिए। फिर मेरे को एक दिन मेरे को क्या हुआ कि एक दिन बहुत तेज़ मेरे को फ्लावर फ्रेग्रेंस और हलवे की खुशबू आई, तो मेरे को लगा कि गुरुजी आए हैं तो मेरे को कुछ बनाना चाहिए फटाफट। तो मैंने जल्दी से हलवा प्रसाद बनाया और उनको भोग लगाया। फिर मेरे को एक दिन जैसे ना अभी क्या हुआ है संगत जी, मौसम जैसे अभी ठंडा हो गया था, मेरे को थोड़ी गले की प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने मतलब मेरे मन में जस्ट एक थॉट आया कि गुरुजी अब मैं आपका प्रसाद जो जल प्रसाद रखती हूँ कैसे पीऊँगी, मेरे को तो बड़ा ठंडा लगता है, उसको गर्म कर नहीं सकते। तो संगत जी ये देखो कि गुरुजी ने मेरी मन की बात को पढ़ा और मेरे को 2 घंटे बाद ही मेरे सामने जो सत्संग आया उसमें यही आंसर था। तो जिन्होंने सत्संग डाला हुआ था तो उन्होंने बताया था कि आप गुरुजी का जो जल प्रसाद है पहले ग्लास में उसको डाल लीजिए, फिर उसके ऊपर आप गर्म पानी डाल लीजिए, तो उसके साथ टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। तो मैं इतनी खुश, तो मैंने वो उनको शुक्राना किया, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, मतलब इतनी जल्दी मेरे को आंसर कर दिया इस बात का, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो एक दिन और सत्संग है मेरा, जैसे ये सफ़ेद चोले वाला एक बार फिर मेरे को मैसेज आया कि तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। उस दिन मेरे को गुरुजी ने वाइट बटरफ्लाई बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की, जैसे मेरे को लगा कि मेरे कमरे में घूम रही है ड्रीम में, तो मेरे को वो दिखाई दी। और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये भी दिसंबर की बात है, जैसे ये 4 दिसंबर की बात है, गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था एक दिन पहले ही कि मैं तेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा, इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा, ये महीना तेरे लिए बड़ा शुभ होने वाला है, तेरे को तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तेरे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, लोग तेरी सफलता देखेंगे, तू सत्संग शेयर कर देनी थकेंगी। तो संगत जी 4 दिसंबर को जब मैंने गुरुजी के सामने जोत जलाई तो उसमें धीरे धीरे पहले तो उसमें बटरफ्लाई बनी, फिर उसमें धीरे धीरे लास्ट में ओम बना। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ओम देखा कि जोत में भी कभी ओम बन सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी पिक्स भी क्लिक करी हैं, तो मैं वो जरूर साथ में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट डे फिर जब मैंने जोत जलाई 5 दिसंबर को, तब भी सेम उस मतलब उस दिए में फिर से बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे आसपास हैं, मैं उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, क्योंकि जो गुरुजी के मैसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रिलेट करते हैं, मेरे साथ लिंक करते हैं। मेरे को पता है कि ये जो मैसेज है गुरुजी का मेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ दिन पहले भी हुआ था ऐसा, जब मैंने गुरुजी के तिलक लगाया ना चंदन का, तो जैसे मैंने फिंगर से तिलक लगाया तो उसी फिंगर से जब मैंने अपने फोरहेड पे लगाया तो वो सेम मतलब वो पता नहीं वो ओम बना था या क्या फिगर बनी थी, मेरे को नहीं पता, मतलब वो सेम शेप जो गुरुजी के फोरहेड पे बनी थी वही सेम बिना देखे जैसे मैंने अपने माथे पे लगाई तो वो बिल्कुल सेम बन गया। मैं उसकी पिक भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी अभी संगत जी सॉरी संगत जी अभी तक के लिए इतना ही गुरुजी, क्योंकि मेरे को बाबा बोल रहे थे कुड़िए तो अपना सत्संग सुना, कुड़िए तो अपना सत्संग शेयर कर, तो मेरे को था कि गुरुजी कुछ थोड़ा सा और हो जाने दो, हाँ मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो मैं एक ही बार में शेयर करूँगी। तो अब जैसे ही जब परसों ओम बना मेरी ज्योत में, गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, तब मेरे को लगा कि अब मेरे को शेयर करना चाहिए। गुरुजी अब स्माइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको गुरुजी छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, आपको एहसास होता है कि गुरुजी आपके साथ हैं। और जब ये ओम दर्शन हुए मेरे को ज्योत में, तो उसके बाद गुरुजी ने मैसेज भी वैसा फ्लैश किया कि आज मैं तेरे घर तेरी अरदास पूरी करने आया सी। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है अगर हम खुद को गुरुजी के साथ जोड़ते हैं, हम अपने मन की हर बात अगर गुरुजी से करते हैं ना तो वो हमें रिप्लाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सबकी सबकी मुरादें पूरी करो गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपने सत्संग में इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इससे पता चलता है कि गुरुजी हमें छोटी छोटी बातों पे कैसे आंसर्स देते हैं। गुरुजी किसी भी फॉर्म में हमें आके दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। गुरुजी अपने आंसर्स हमें कैसे समझाते हैं, हमें कैसे रिलेट करने होते हैं आंसर्स, आपने बहुत अच्छे से बताया। सारी संगत के लिए बहुत आसानी होगी आगे चलकर अपने आंसर्स समझने के लिए, और होपफुली आपके सत्संग से उनको बहुत सारे आंसर्स मिले भी होंगे। जैसे कि गुरुजी ने आपको कहा कि अपने सत्संग हमेशा शेयर करने चाहिए, तो संगत जी आप में से जिनको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हो सके तो ऑडियो क्लिप भेजिए ताकि आप उसमें अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि मैं देखकर बोलूंगी तो मैं ऐसे ही बोल दूंगी, लेकिन जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से करोगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।